साथियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे भाई सऊदी अरबिया से रिलेटेड। सऊदी अरबिया के लोगों, हालांकि ये वीडियो बहुत से ज़्यादा वायरल होते हैं गल्फ कंट्रीज़ में, सऊदी एक ऐसी कंट्री है जिसमें वर्करों के साथ मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा शोषण होता है। शोषण इसलिए होता है, मैं बता दूं कि लोग सऊदी अरबिया में हाउस ड्राइवरी के जॉब में या मजरा के जॉब में या घरेलू नौकर के जॉब में सबसे ज़्यादा जाते हैं। और आपको पता होगा साथियों, महिलाओं का शोषण सबसे ज़्यादा सऊदीया में होता है। इंडियन महिलाओं की बात कर रहा हूँ मैं। इतनी ज़्यादा सोशल मीडिया पे ये न्यूज़ पड़ी है, गूगल को उठा के देख सकते हैं, टीवी में न्यूज़ आती रहती हैं, ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती रहती हैं। कई बार तो लोगों को हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक का सहारा लेना पड़ता था, तब जाके उनका फैसला या वो इंडिया रिटर्न आ पाती हैं। और ये होता है वहाँ के बद्दू लोग होते हैं, जो मूर्ख इंसान जिनको बोल सकते हैं, कम पढ़े लिखे जाहिल गंवार अनपढ़ लोग। वो अरबी बोलने से कोई पढ़े लिखे नहीं हो जाते भाई, पढ़ा लिखा वो होता है जो शिक्षा के अनुसार पढ़ा लिखा बंदा एक दूसरे की मतलब भावनाओं को समझें, एक मजदूर की भावनाओं को समझें। यानी सऊदी अरबिया में बहुत सारे वीडियो वायरल होते रहते हैं, आपने देखा होगा अपने हिसाब से। अभी मैं एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। राजस्थान सीकर डिस्ट्रिक्ट का बंदा है जो अपना सब कुछ सही है उसका, लेकिन फिर भी वहाँ का रबाब, वहाँ का बद्दू, मैं तो बद्दू बोलूँगा, रबाब नहीं बोलता, रबाब बहुत बड़ा वर्ड होता है भाई। रबाब का मतलब होता है अपने हदीन जो वर्कर होते हैं उनकी हेल्प करना, मदद करना, लेकिन ये रबाब नहीं है, बद्दू लोग हैं जो इंडियन वर्करों को शोषण करते हैं, इनसे काम करवाते हैं, इनसे सैलरी भी नहीं देते, उनका मतलब एक तरह से हुक्का पानी बंद करना, ज़बरदस्ती काम करवाना, एग्जिट। अब ये बंदे का अग्रीमेंट पूरा हो चुका है, उसके बावजूद इसको घर जाने नहीं दिया जा रहा है। क्यों भाई? 2 साल का 24 महीने का अग्रीमेंट होता है, आपको सबको पता है। अगर अग्रीमेंट पूरा हो जाए तो आना चाहिए ना बंदा इंडिया वापस, उसको शौक से भेजना चाहिए एग्जिट लगा के, किले भाई तेरे को छुट्टी देता हूँ, ये तेरे को तनख्वाह देता हूँ, तू घर जा, 2-3 महीने रेस्ट कर, वापस आ जाना। एक ये होता है इंसानियत। बाकी आप वीडियो में देखिए, बंदा अगर एम्बेसी इंडियन एम्बेसी चला जाता है तो उसके ऊपर उसको जलन होती है, वो उसकी सैलरी बंद कर देता है। एक मजदूर आदमी की 4-4 महीने से सैलरी नहीं मिले तो भाई क्या खाएगा वो, आपको सोचने की बात है। तो आप इन चीज़ों से बचे भाई। ये वीडियो राजस्थान का, अगर आप इस बंदे को पहचानते हैं तो ज़रूर हेल्प करें। मुझे कॉन्टैक्ट नंबर नहीं मिला इसलिए मैं नंबर नहीं डाल पा रहा हूँ। बाकी आप वीडियो में इसकी कहानी सुनिए, हो सकता है आप सकल से आपके पास में ही हो, तो अगर आपसे हेल्प हो सके तो करिए भाई। 6 महीने से बंदा इंडिया आने के लिए प्रयासरत है, लेकिन सऊदी का जो बद्दू है, इसका मालिक है, वो इसको इंडिया आने की इजाज़त नहीं दे रहा है, नहीं आने दे रहा, तनख्वाह भी नहीं दे रहा है। तो देखिए इस वीडियो में, और वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि हर लोगों के साथ ये वीडियो पहुँचे और वो भी इस सिस्टम को देख के, वीडियो को देख के बच सकें, ठीक है साथियों। नमस्कार, मैं इस वक्त जेद्दा सऊदी अरब में हूँ। मैं राजस्थान के सीकर ज़िले के दातारामगढ़ का निवासी हूँ और पिछले 6 महीने से भारत आने की कोशिश कर रहा हूँ लगातार। मेरा कफ़ील जो है मुझे एग्जिट लेटर पे साइन करके नहीं दे रहा है, मेरे बार बार कोशिश करने पर भी वो साइन नहीं करके दे रहा है। तो मैंने इस विषय में जेद्दा एम्बेसी में शिकायत दर्ज की 4 महीने पहले, तो उसने मेरी सैलरी भी बंद कर दी, उसे मिर्ची लग गई और उसने मेरी सैलरी भी बंद कर दी। अब इस महामारी के दौर में 4 महीने से मेरी सैलरी, तनख्वाह सब कुछ बंद है और मुझे आने भी नहीं दिया जा रहा है। नहीं तो मैं वंदे भारत मिशन की प्लेनों में भी कोशिश करता, पर मेरी कहीं पे कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मेरी आपसे निवेदन है, आपसे दरख्वास्त है कि आप मेरी शिकायत संबंधित विभाग तक पहुंचाइए, कैसे भी मुझे यहाँ से निकलवाइए। धन्यवाद।